हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट दिखाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने ब्रेक स्टेटमेंट दिखाया था और सेकंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट और उसका मैं प्रोग्राम दिखाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यू स्टेटमेंट, हमने ब्रेक स्टेटमेंट में देखा कि वो क्या करता है, कंट्रोल जो है टर्मिनेट करता है जो लूप में हमने जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है, तो उसके बाद वो लूप क्या होता है, टर्मिनेट होता है। और उसके अपोजिट कंटिन्यू, इसके नाम में ही है, ये क्या करता है, कंट्रोल बिगनिंग ऑफ द लूप में लेके जाता है, यानी ये कंट्रोल टर्मिनेट जो भी लूप है, डू वाइल वाइल जिस भी लूप फॉर लूप जिस लूप में हमने यूज किया है, तो उसका वो लूप के बिगनिंग में ये हमको कंट्रोल लेके जाता है। उसके बाद इट डज नॉट कॉज द लूप टर्मिनेशन, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो डायरेक्टली कंट्रोल लूप के बाहर आता है, तो इसमें क्या करता है, ये लूप टर्मिनेट नहीं होता है। थर्ड है द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द बिगनिंग ऑफ द लूप, मीन्स प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो भी लूप है, अभी फॉर लूप में हम लोग ने लिखा है कि आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन टेन, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है, तो वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होने तक वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होते रहता है, तो वो बिगनिंग ऑफ द लूप में जाएगा। उसके बाद इट कैन बी यूज इन लूप, मीन्स एनी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, किसी में भी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है। अभी ये एक्चुअल इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट में हमने देखा ब्रेक लिखा हुआ था और यहाँ सेमी कॉलम था, वैसे ही यहाँ पे सपोज हम लोग ने व्हाइल लूप लिखा है, तो व्हाइल देन कंडीशन लिखेंगे, देन करली ब्रैकेट और जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम लोग ने सपोज कंटिन्यू लिखा, तो उसके बाद कंटिन्यू यह स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा और डायरेक्टली यह कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो बिगनिंग ऑफ द लूप। और वही ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था कि वो डायरेक्टली क्या कर रहा था, लूप के बाहर आ रहा था, यही जो एरो है वो डायरेक्टली क्या कर रहा था, ब्रेक लूप के बाहर के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रहा था। और कंटिन्यू में क्या होगा, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, अभी व्हाइल में हम लोग ने देखा कि व्हाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होते रहता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा, फॉल्स होने के बाद वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट से वो क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा लूप, कंटिन्यू स्टेटमेंट से बिगनिंग में जाए। जैसे कि ब्रेक में क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है व्हाइल का, तो भी वो क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट आने के बाद वो डायरेक्टली लूप टर्मिनेट करता है, उसके अपोजिट कंटिन्यू है, वो बिगनिंग ऑफ द लूप में जाएगा और मीन्स यहाँ के स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट हो गए, तो कंटिन्यू डायरेक्टली यहाँ पे लेके जाएगा और ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हम एक्चुअल प्रोग्राम में कैसे सी लैंग्वेज में यूज करेंगे वो हम एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि हम नंबर्स एक्सेप्ट करेंगे, नंबर्स एक्सेप्ट करने के बाद 10 नंबर्स सपोज एक्सेप्ट करेंगे और हमको देखना है कि हमको सिर्फ डिविजिबल बाय 5 नंबर्स ही एक्सेप्ट करना है, यानी अगर सपोज हम लोग ने 10 नंबर्स में डिविजिबल बाय 5 सब नंबर एक्सेप्ट किए, तो हमने ऐसे कंडीशन डालना है कि अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो ही हमको काउंट डिस्प्ले करना है। अभी मैं प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। सपोज हम लोग को वेरिएबल कौन से लगेंगे, अगर हम लोग को लूप यूज करना है तो मैंने इसके लिए आई लिया है, हमको नंबर एक्सेप्ट करना है इसके लिए नम वेरिएबल लिया है और हमको काउंट करना है कि जो डिविजिबल बाय 5 है उसका काउंट डिस्प्ले करना है, इसलिए काउंट हम लोग ने फर्स्ट 0 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद मैंने कहा था कि हमको क्या करना है कि
10 नंबर्स एक्सेप्ट करना है, एंटर एनी 10 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5, विच इज डिविजिबल बाय 5। उसके बाद यहां पे फॉर लूप यूज होगा, फॉर लूप में अभी हमको 10 नंबर एक्सेप्ट करना है, इसलिए आई इज इक्वल टू, तो 10 नंबर एक्सेप्ट करने के लिए आई इज इक्वल टू 0, देन आई लेस देन 10 यह कंडीशन होगी, उसको हम प्लस प्लस आई से इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हमको नंबर एक्सेप्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे scanf, यहाँ पे इंटीजर है इसलिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज करेंगे, देन num नंबर एक्सेप्ट किया है। उसके बाद हमको कंडीशन चेक करना है कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं। अभी हम 10 नंबर रैंडमली कौन से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई कोई क्या करेगा डिविजिबल बाय 5 नहीं करेगा, तो हमको ऐसे काउंट डिस्प्ले करना है कि जो नंबर का डिविजिबल बाय 5 है। तो उसके लिए हम इफ में कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, तो num देन डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबल बाय 5 जो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए डबल इक्वल 0 आता है, डिविजिबल बाय मीन्स रिमाइंडर क्या है, जो डिविजिबल बाय है 5 है उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है, तो अभी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको स्किप करेगा, मीन्स कंटिन्यू हम यहाँ पे जंप स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो वो क्या करेगा, बिगनिंग ऑफ द लूप में जाएगा, यहां से डायरेक्टली वहां जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ जो डिविजिबल बाय 5 है उनका ही काउंट डिस्प्ले करना है। एल्स अगर वो डिविजिबल बाय 5 है तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, उसको 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, और यहां पे जब लूप कंप्लीट होगा तो हम उसे डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट एफ काउंट काउंट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, मीन्स यहां पे इक्वल टू परसेंटेज डी, देन कौन सा वेरिएबल हम लोग ने यूज किया है, काउंट, यहां पे सेमी कॉलम है। अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट तो हमने 10 नंबर्स एक्सेप्ट किए हैं, एंटर एनी 10 नंबर्स, तो अभी ये 10 नंबर्स में हमको ऐसे काउंट निकालना है कि जो कि डिविजिबल बाय 5 है, विच इज डिविजिबल बाय 5। 10 नंबर्स कौन से भी हम रैंडमली एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नंबर का काउंट निकालना है जो कि ओनली डिविजिबल बाय 5 है। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप यूज किया है, 0 देन हमको 10 नंबर्स एक्सेप्ट करना है, फिर यहाँ पे उसके लिए स्कैनिंग यूज किया है, और अगर वो जो भी नंबर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो हम लोग ने यहाँ जंप स्टेटमेंट यूज किया है, कंटिन्यू, यानी अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द लूप, यानी मीन्स टर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो बिगनिंग ऑफ द लूप जाएगा, और ये लूप कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कि वो 10 नंबर एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर वो डिविजिबल जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 है तो वो काउंट करेंगे हम, काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 मीन्स इंक्रीमेंट हो, फिर ये लूप पूरा
कंप्लीट हुआ, मीन्स 10 नंबर्स हमने एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो लूप के बाहर आएगा और प्रिंट क्या करेगा, ये जो वेरिएबल है काउंट, काउंट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ये हम काउंट या वेरिएबल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, हमको मैसेज आएगा कि एंटर एनी 10 नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन सपोज हम लोग ने कोई भी नंबर 10, 3 किया, 5, 7, 9, 20, 25, 6, 4, 1, तो अभी हम लोग ने 10 नंबर्स एक्सेप्ट किया, लेकिन काउंट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 या 4 ही है, मीन्स फर्स्ट तो 10 है, 5 है, 2, 3 एंड 4, मीन्स इसमें से 10 नंबर में से सिर्फ 4 नंबर ही ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। तो ऐसे काउंट कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं करता, तो वो लूप एग्जीक्यूट करते रहता है जब तक कि जो भी लूप में है वो लूप का जो टेस्ट कंडीशन है वो ट्रू है, तब तक वो लूप एग्जीक्यूट करते रहता है। तो ये डिफरेंस है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। तो आप भी यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कुछ कमेंट कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।